टाप चलते हैं, आपको बर्फबारी में शंगला टाप दिखाते हैं कि कैसा है। मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शरीन ज़ादा और इस वक्त मैं शंगला टाप में मौजूद हूँ। वैसे तो मैंने आम दिनों में शंगला टाप आपको बहुत दिखाया है, लेकिन बर्फ़बारी में मैंने सोचा कि बर्फ़बारी में आपको दिखाया जाए, बर्फ़बारी के मनाजिर दिखाया जाए। इस वक्त बर्फ़बारी जारी है और महकमे मौसमियात ने यही इत्तला दी है कि आइंदा 24 घंटे स्वात के शहरी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बालाई इलाकों कालाम, बहरेन, मियादम, मलम जबा, गबिन जबा और महोडन झील, शाहिब बाग, यहाँ पर वक्त पे वक्त से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक इत्तलात ये है कि शाहिब बाग में तकरीबन 4 फीट, महोडन झील में भी 4 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी इन 3 मकामात में हुई है, मलमजबा, शाहिब बाग, महोडन झील, और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। महोडन झील और शाहिब बाग के का जो रास्ता है वो बंद है, सड़कें बंद है। बाकी जो मलमजबा है, कालाम है, वुशु वैली, वुशु फॉरेस्ट और वुशु तक आप गाड़ी में जा सकते हैं, रास्ते खुले हैं। कालाम तक तक जो है ना, आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, मलमजबा में भी अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने मलमजबा जाना है या शंगला टाप आना है, अगर बर्फ़बारी हो रही हो और बर्फ़ ज़्यादा हो, तो फिर आपको जंजीरें जो है ना टायरों को ज़रूर लगानी चाहिए, वरना फिर हालात जो है ना वो ख़राब हो सकते हैं। गलती अगर आपकी ना हो तो दूसरों की गलती हो सकती है। अगर आप देखें मंज़र, तो इस वक्त चीड़ के दरख्त ने सफ़ेद चादर उड़ ली है और आसमान से गिरते बर्फ़ के गालों ने हर चीज़ को सफ़ेद कर दिया है, और इसमें फैमिलीज आए हुए हैं, वो खेल रहे हैं बर्फ़ के साथ, इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर भी लोग आए हुए हैं। स्वात के तमाम सियाहती मकामात सयाहों से भर गए हैं, सड़कें बिल्कुल बेहतरीन है। शंगला टाप अगर आपने आना है तो जंजीर लगाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रोड पर जो काम हुआ है, इससे रोड जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी मतलब टेर का जो फिसलना है, गाड़ी का जो फिसलना है, वो नहीं हो रहा है। मतलब और बर्फ़बारी जो हो रही है उसमें पानी की मकदार ज़्यादा है, तो वो पिघल रही है गाड़ियों के आने जाने से। तो मेरे साथ रहे, आज मैंने आपको शंगला टाप बेहतरीन तरीके से दिखाना है। एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप लोग कहाँ से आए और क्या कहेंगे? कराची से आए, और यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है। अच्छा, और बहुत अच्छे नज़ारे। सर्दी लग रही है कि नहीं? जी बहुत लग रही है। लग रही है जी। अच्छा अच्छा, आप क्या कहेंगे, बच्चों के साथ आप आई हैं? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पहले रास्ते खुले हैं सब, कोई तकलीफ मफलीफ? नहीं कोई तकलीफ। क्या पैगाम देना चाहेंगे दिगर सयाहों को? बस माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, आए सब यहाँ पे देखें, ठीक पाकिस्तान के नज़ारे इंजॉय करें, इंजॉय करें। सर आप क्या कहेंगे, नाम क्या है आपका? मोहम्मद अली। अच्छा, तो कैसा लगा आपको शंगला टाप? बहुत अच्छा, बेहतरीन, पाकिस्तान में कहीं पे भी चले जाओ बहुत अच्छी जगह है। सही सही सही, आना चाहिए, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। دا مقدر شبش
बहुत अच्छा लगा और बर्फबारी भी हो रही है और एंजॉय भी कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मेरा नाम जहूर खान है जी, हम मरदान से आए जी। शंगला टॉप तो बहुत प्यारा जगह है जी, बर्फबारी हो रही है, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है जी। सर्दी नहीं लग रही है? सर्दी तो बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा माशाल्लाह। सुबह से बर्फबारी का सिलसिला वक्त वक्त से जारी है, बर्फबारी कभी तेज हो जाती है तो कभी कम। इस वक्त काफी तादाद में लोग आए हुए, मुकामी है यहाँ के डाउन डिस्ट्रिक्ट के, और काफी इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ रहे। ये देखिए, हमने चैंचे लगाई है, अब टॉप तक जाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा शंगले की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। साथ रहे। यहाँ हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद है। सयाह तो नहीं है, मुकामी है, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज होने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मोरान बात करूँ। अच्छा, कैसा लगा आपको ये इलाका और बर्फबारी, ये मौसम? जी मैं तो यहाँ का मकामी हूँ और कराची में काफ़ी टाइम गुजारा है। अच्छा, तो तकरीबन 15-20 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। ठीक है। मौसम जो है बहुत ठंड है, बारिश भी मतलब हमारे गांव की तरफ हुई है, यहाँ पे बर्फबारी भी हुई है। अगर आप देखें तो इस वक्त भी बच्चे
खेल रहे हैं बर्फ के साथ। काफ़ी लोग आए हुए हैं अपने फैमिली के साथ, तो इंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन आज पांचवा रोज़ है कि मुसलसल तो नहीं लेकिन वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो रास्ते खुले हैं, रास्ते बंद नहीं है। अगर आपने आना है तो ये है कि अगर बर्फ़ मौजूद हो तो वहाँ ज़रूरी है कि आप अपने गाड़ी के टेरों को जंजीरें ज़रूर लगाएं ताकि आपकी गाड़ी महफूज हो, और मतलब किसी हादसे से अल्लाह ना करे लेकिन आप महफूज रहेंगे। इसी तरह मलम जवा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चढ़ाई है, और शंगला टॉप में तो ज़रूरत नहीं है, हमने चैन से लगाई है लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ इतना बर्फ़ जो है ना वो इसमें पानी का मकदार ज़्यादा है तो वो पिघल रही है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। चूँकि ये रोड आगे लिंक करता है गलगित को तो काफ़ी मसरूफ तरीन रोड है, तो मेरा ख्याल है कि आपको इंजॉय करना चाहिए। मुकामी सतह पर लोगों को मुश्किलात है, बिजली की तरसील में जो प्रॉब्लम पेश आ रही है, इसी तरह सुई गैस का थोड़ा बहुत मसला है, और देहातों में खुश्क लकड़ी मिलना जो है ना वो दुश्वार हो गया है। तो मेरे साथ रहे। यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या कहना है इनका। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? मेरा नाम हादिया है। अच्छा बेटा, आपको ये इलाका कैसा लगा और सर्दी है नहीं है क्या कहेंगे? ये इलाका बहुत ठंडी है, ये हमें बहुत अच्छी लगी। अच्छा, बर्फबारी इंजॉय किया कि नहीं? यस, इंजॉय किया बहुत। अच्छा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने दिगर सहेलियों को कि वो आए या ना आए? वो आए। अच्छा ठीक है ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है? नजदा। अच्छा तो क्या कैसा लगा आपको ये इलाका? अच्छा। अच्छा लगा। चलो ठीक है। शंगला टॉप गर्मियों में ये सरसब्ज लश ग्रीन और हर तरफ हरियाली, और सर्दियों में जब बर्फबारी हो जाए तो बस हर तरफ बर्फ़ के सफ़ेद चादर उड़े, सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आ रही है। मेरा ख़्याल में आपने भी इंजॉय किया और मैंने भी इंजॉय किया। मैंने कोशिश की शंगला टॉप के दोनों साइड, स्वात वाला साइड और शंगला, दोनों मैंने आपको दिखा दिए हैं। और मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू।